तो जैसा कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि आज पीएम मोदी की गाइडेंस में जो सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, उसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेस करे जाने वाले 83 तेजस MK1 की जो डील थी उसको क्लियरेंस दे दी गई है। और अब ये जो डील है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में साइन करी जा सकती है। और अगर इस डील को साइन करने में कोई दिक्कत आती है, मतलब कि यह जो डील है इसमें कोई डिले हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अगर ये डील फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में साइन नहीं करी जाती है, तो जो एयरो इंडिया 2021 का जो शो होने वाला है उसमें इस डील को पूरा फाइनल कर दिया जाएगा और 83 तेजस MK1A की जो डील है उसको इंडियन एयरफोर्स के लिए पूरी तरह से साइन कर दिया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स को जो इंडिजिनियसली बिल्ट 83 तेजस MK1 फाइटर्स हैं, तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उन सभी फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स को 2026 के लास्ट तक पूरी तरह से डिलीवर कर दिया जाएगा। और अभी तो फिलहाल इस डील को CCS की तरफ से केवल अप्रूवल ही मिला है, और इस डील को जब साइन करा जाएगा तब इस डील के साइन करने के पहले 3 सालों के बाद इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस MK1A फाइटर जेट डिलीवर करा जाएगा। जैसे कि आपको ये पता है कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को उनको रिटायर करना पड़ रहा है। और पिछली गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 20 सालों में नए फाइटर जेट्स का इंडक्शन तो करा नहीं गया था। फाइटर जेट्स के रिटायर होने के साथ साथ उनके आगे के अपग्रेड करने का जो रोड मैप तैयार न कर पाने की वजह से जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसमें हमें इतनी गिरावट देखने को मिली है। और जब ये सभी फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स में जो तेजस फाइटर जेट्स की जो नंबर्स हैं वो मतलब कि वह 123 हो जाएंगे, जिसमें कि जो 20 फाइटर जेट्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स के पास IOC यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस स्टैंडर्ड के होंगे, और वहीं जो बाकी के 103 तेजस फाइटर जेट्स हैं वो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि FOC वेरिएंट के फाइटर जेट्स होने वाले हैं। और जब तक इन सभी 83 तेजस MK1A फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करा जाएगा, तब तक HAL की तरफ से जो मीडियम वेट फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप है उसको भी ला दिया जाएगा।